हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे एक पेन ड्राइव को मल्टीबूट बनाते हैं। तो क्या मोटो है इस वीडियो का? हाउ टू क्रिएट मल्टी बूट पेन ड्राइव, या पेन ड्राइव को ही यूएफडी के नाम से जाना जाता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंगी? एक चाहिए हमको 4 GB की पेन ड्राइव या उससे हायर हो, या जैसे 8 GB या अधिकतम जितनी हो सके। कुछ ISO इमेजेस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप बूटेबल बनाना चाहते हो। और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको यूमी के नाम से जानते हैं। ओके, तो इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं पेन ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, ISO इमेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, और यूमी, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, ये यूमी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इस पर सिंपली क्लिक करिए आप, रन हो जाता है, इंस्टॉल भी नहीं होता है आपका। ओके, जैसे यहाँ पे ये विजेट आएगा, इस विजेट में आप अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करिए। तो पेन ड्राइव का जो भी ड्राइव लेटर होगा, तो जो भी रिमूवल मीडिया की ड्राइव लेटर होगी, जैसे देखिए इस रिमूवल मीडिया में जो मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है लगभग 4 GB की, उसका ड्राइव लेटर जी है। तो इस जी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही जी सेलेक्ट करते हैं, तो ये कहता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो इंस्टॉल यहाँ करना, या इस पेन ड्राइव में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसको सेलेक्शन करो, उबंटू है, कुबंटू, फेडोरा, जो भी। और लास्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में लिखा होगा कि जो इसमें नहीं है, या जिस इस लिस्ट में नहीं है, आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ एकदम से लास्ट में। देखिए, विंडोज 7, विंडोज 8 इंस्टॉलर, या जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हिरन बूट CD आपको बनाना है, ट्राई एन अनलिस्टेड ISO। और ब्राउज करते हैं हम। ब्राउज करने के साथ देखिए, मैं विंडोज PE को मैं दे देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा टूल है विंडोज PE, है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का। और क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, और यस, हम देखिए ये मल्टीबूट बनाने के साथ साथ ही अब ये ISO फाइल ये विंडोज XP की कॉपी हो रही है उस पेन ड्राइव में। मैं पेन ड्राइव दिखाऊँ अगर अपना, तो आप देखोगे क्या कि उसमें वो डेटा आ रही है। देखिए, इसका नाम भी मल्टीबूट से कर दिया गया और डेटा भी हमारी आना जारी हो गई। ओके, फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा, तो एक एक ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू ऐड मोर ISO। अगर एक पिन ड्राइव में मल्टीपल बनाना है, तो फिर से यस कर देना कि मैं दूसरा वाला बनाने जा रहा हूँ। किसके लिए? ड्राइव लेटर जी के लिए। इमेज कौन सा होगा? जो भी इमेज होगा आप सेलेक्ट कर लो। तो मेरे केस में मैं मान के चलता हूँ जो लिस्ट में नहीं है, और ब्राउज करता हूँ उस इमेज को जहाँ भी हमने रखा है, उसका लोकेशन बताता हूँ, और इस बार दे देता हूँ मैं सपोज दैट विंडोज 98, और क्रिएट कर देता हूँ। अब फिर उतना समय लगा विंडोज 98 कॉपी होने में, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आगे बताता हूँ। अब 98 भी लगभग कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। फिर से कोई इमेज रखना हो, फिर से आप एस करें, और फिर से किस ड्राइव में रखना चाहते हैं, मैं फिर से उसी जी ड्राइव को ही सेलेक्ट करता हूँ। और फिर से मैं जो लिस्ट में नहीं है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इस बार मैं इसमें विंडोज XP भी रख देता हूँ, और फिर से क्रिएट, और ये डेटा कॉपी होगा। तब तक के लिए फिर से मैं वीडियो को पॉज कर। ओके, तो मेरा XP भी कॉपी हो चुका है, हमने नेक्स्ट फिनिश किया। और इस बार मैं सिर्फ 3 ही रहने देता हूँ, नो बटन पे क्लिक करता हूँ, और फिनिश फिनिश हो गया। अब मैं इस पेन ड्राइव से बूट करूँगा, तो मैं जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल रखा है, उन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी का भी सिलेक्शन करते हुए मैं बूट कर सकता हूँ। और एक मज़ेदार बात मैं और आपको बताऊँ, आप यहाँ पे अपनी फाइल भी लगा सकते हो। देखिए, जैसे ये यूमी का है फाइल, अगर हम प्रीव्यू करके दिखाएं इसको,
तो ये है, यहाँ पे आप सेम नाम से फाइल का सेम नाम रख के आप अपना इमेज रख दीजिए, अपने स्नैप्स रख दीजिए, तो जो कंप्यूटर बूट होगा, जब पेन ड्राइव से बूट होगा, तो उस जगह आपका नाम आएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक पेन ड्राइव को कैसे पेन ड्राइव बनाते हैं। इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होता है, या पेन ड्राइव का दूसरा नाम UFD USB फ्लैश ड्राइव होता है, और ISO इमेज चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको भी आप बूटेबल बनाना चाहते हो पेन ड्राइव के साथ, और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसका यूमी नाम है। और इस वीडियो को प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप मल्टी बूट बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक फॉर लिसनिंग।